नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीबन 48,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 86.84 लाख हो गई है, जबकि 505 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 1.28 लाख से ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री एचई ग्वेन शुआन फुक के साथ वीरवार से शुरू हो रहे 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। मोदी सरकार ने कोरोना काल के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दोबारा गति प्रदान करने के लिए आज आत्मनिर्भर 3.0 पैकेज की घोषणा की है और कोरोना काल में जिनकी नौकरी चली गई थी उनके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के भारत में अंतिम चरण के मानव परीक्षण के लिए वॉलंटियर की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने वीरवार सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। दुनिया के अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में तेजी रही और घरेलू शेयर बाजार की गिरावट के दबाव में आज अंतर बैंकिंग मुद्रा रुपया 28 पैसे उतरकर 74.64 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते हुए वीरवार को कहा कि भारत पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आया है। अब खबरें हरियाणा से। सोनीपत गन्नौर में जहरीली शराब से दो और लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों की आंखों की रोशनी कम हो गई। बुधवार को PGI रोहतक में कई दिन से भर्ती सोनीपत के हनुमान नगर के महेंद्र ने दम तोड़ दिया। गन्नौर में 7 दिन से भर्ती प्रेम की मौत हो गई, जबकि जहरीली शराब से प्रभावित 4 लोग PGI रोहतक में भर्ती हैं। इनकी आंखों की रोशनी घट गई है। हरियाणा में बीते दिन 20 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इससे कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 2000 के पार हो गई है। चिंता की बात है कि जहां 5.5 महीने में पहली 1000 मौतें हुई थी, वहीं अगले 2 महीने में ही 1000 लोगों की जान चली गई है। इस दौरान हिसार में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 5.5 माह में 31 लोगों की जान गई, फिर 2 माह में 136 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में जमीनों के नए सिरे से कलेक्टर रेट तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व विभाग की ओर से इसे लेकर शेड्यूल जारी करते हुए सभी कमिश्नर और DC को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगले साल मार्च तक कलेक्टर रेट जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी DC 15 दिसंबर तक कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जारी करेंगे, जिन पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। यह काम पूरा होने के बाद आखिरी रेट निर्धारित किए जाएंगे। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।